ओके क्लास, आज चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और आई होप सबने चैप्टर नंबर 1 और 2 का काम जो है वो जो मैंने आपको बताया था पुराने चैप्टर्स में, मतलब चैप्टर नंबर 1 और 2 में, वो सबने कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं किया तो बराए मेहरबानी कंप्लीट करें और पाइल अप ना करें, वरना एंड में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? बहरहाल हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और एक बात अच्छा याद रखिएगा, जो मैंने आपको वीडियोस यानी कि पुराने सिलेबस के हवाले से बना के दी थी, यानी कि जैसे मैंने वहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर बताया था, मैं मेरी एक वीडियो है वहाँ पे मैंने आपको सेल का स्ट्रक्चर बताया था, फिर और भी डिफरेंट चीज़ें बताई थी, यानी कि एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बारे में भी बताया था मैंने। इसके अलावा और भी मैंने वीडियोज़ बनाई थी जो डायनामिक थी, यानी कि जो के प्रॉपर वीडियोस थी, वो मैं आपको मतलब पुरानी चीज पुराने कोर्स के हवाले से मैंने आपको कुछ समझाया था। लेकिन ऐसा नहीं समझिएगा, या फॉर सपोज पुरानी बुक्स अगर हमारी अभी चल रही होती, फॉर सपोज तो मैं जो हूँ वो, फॉर सपोज मैंने सेल के बारे में पढ़ाया, मैंने सेल का स्ट्रक्चर बढ़ा दिया और मैंने पढ़ा दिया है पुरानी वीडियोज में, आप चाहे तो आप लेक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है? दूसरा ये कि जब आप लोग जो हैं वो सेल का स्ट्रक्चर उस वक्त पढ़ रहे थे, यानी कि पुरानी बुक से, तो ऐसा नहीं है कि नई बुक में कोई नई चीज़ बताई है, नई बुक में भी वही चीज़ें हैं, बस ये है थोड़ी सी इसको आप पुरानी बुक से थोड़ा एडवांस कर दिया है, थोड़े चैप्टर्स, मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर की बायो की बुक उठाएंगे ना और सेकेंड ईयर की बायो की बुक उठाएंगे, तो इस तरह से डिवाइड कर दिया है, काफ़ी सारे चीज़ें जो हैं वो सिमिलर कर दी हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, तो लेकिन अभी आपका वो लेवल नहीं है जो आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का है, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, डाइवर्स का मतलब होता है, यहाँ पे डाइवर्स वर्ड, डाइवर्स का क्या मतलब होता है? डाइवर्स का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारी वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब बहुत सारी चेंजेस, यानी कि हमारी दुनिया में हमारा जो बायोस्फेयर है, जिससे मैंने आपको पुराने चैप्टर में बताया था बायोस्फेयर क्या था, बायोस्फेयर जहाँ जहाँ पे हमारी दुनिया में लाइफ पाई जाती है वो बायोस्फेयर, वो एरिया बायोस्फीयर कहलाता है। वैसे तो पूरी दुनिया में ही लाइफ पाई जाती है, तो हमारी पूरी दुनिया ही एक बायोस्फीयर है, ठीक है? जहाँ लाइफ नहीं पाई जाती वो बायोस्फीयर नहीं होता, ठीक है? जैसे दूसरे प्लैनेट्स में देखें, जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस, वहाँ वो बायोस्फीयर नहीं कहलाता क्योंकि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। वाहिद एक अर्थ है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और मार्स का मुझे इतना नहीं पता, मार्स में एग्जिस्ट करती नहीं करती, लेकिन हमारी कंसर्न जो है वो अर्थ है, तो अर्थ पे तो लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो अर्थ इज अ बायोस्फेयर, ठीक है? तो यहाँ हमारी बायोस्फेयर में, यानी कि हमारी अर्थ पे जो है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, और डाइवर्स किस्म के, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के, डाइवर्स मतलब बहुत सारे और बहुत मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, दिस इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? फिर बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है? अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? प्लांट से हमें फाइबर मिलता है, फाइबर एक आपका फूड का कंपोनेंट है, ऑयल मिलता है, तेल मिलता है, सरसों का तेल जो होता है, जैतून का तेल, ये सब प्लांट से आता है। इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल, ये सब आपको प्लांट्स में मिलता है। डाइज, जो अक्सर जो हेयर हेयर डाई तो नहीं कह सकते, और भी जो डाई जो कलर वगैरह होते हैं ना, ये सब भी एक्सट्रैक्ट इनका प्लांट से निकलता है, ठीक है? रबर वगैरह ये सब प्लांट से निकलता है। अच्छा, वाटर जो है ये प्लांट से तो नहीं निकलता, लेकिन लेकिन कुछ प्लांट्स में वाटर स्टोर्ड होता है, जैसे जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जैसे कैक्टस हो गया भाई, आप अगर आप कोई नॉर्मल, फॉर सपोज अगर आपने रोज का प्लांट डेजर्ट में, यानी कि रेगिस्तान में जो है वो लगा दिया, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके अंदर वाटर की स्टोरेज नहीं है। लेकिन प्लांट डेजर्ट में जितने भी प्लांट्स होते हैं वहां पे, उनके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है वाटर स्टोर करने की, तो उनके अंदर एक वाटर स्टोरिंग कैपेबिलिटी होती है। फिर उनके उन प्लांट्स के अंदर वाटर होता है बाकायदा, जब आप उनको काटोगे ना तो वाटर बाकायदा गिरेगा, तो वो स्टोर करे रखते हैं,
ठीक है। इसके अलावा वाटर की और भी सोर्सेज होती हैं, हम प्लांट्स को छोड़ के बात करते हैं तो रिवर, ओशन, रेन वगैरह वगैरह, ठीक है। टिम्बर, टिम्बर कहलाता है आपका जिनसे आप कहते हैं फर्नीचर वगैरह जो बनता है ना वो। और इसके अलावा पेपर भी आप, यानी कि अगर प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ, फूड, फूड वगैरह ये सब जो है वो आपको प्लांट्स से भी मिलता है, एनिमल्स भी मिलता है, ठीक है। पेपर पे वुड से बनता है, वुड कहाँ से आता है, प्लांट से। तो फॉर सपोज बायोडाइवर्सिटी में सिर्फ प्लांट्स नहीं आते, एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है। अच्छा फिर ये आपके इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, हमारा जो ये पूरा सिस्टम है ना जहाँ पे हम रह रहे हैं, दिस इज नोन एज आर इकोसिस्टम, ठीक है। ये हमारा इन्वायरमेंट इज आर इकोसिस्टम, ठीक है। ई फॉर एनवायरमेंट से याद रखिएगा, इकोसिस्टम, जिस सिस्टम में हम रिजाइड कर रहे हैं, हम रह रहे हैं, वो इकोसिस्टम कहलाता है। और ये हम बायोडाइवर्सिटी की वजह से, अगर फॉर सपोज आप ये अज्यूम करो कि दुनिया में सिर्फ एक ही तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, फॉर सपोज एग्जाम्पल सिर्फ इंसान, बाकी सबको खत्म कर दो, नो प्लांट्स, नो एनिमल्स, नो अदर थिंग्स, ठीक है। सिर्फ एनिमल्स, या फिर सॉरी सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स पाए जाते हैं, ह्यूमन बीइंग कभी भी अकेले सर्वाइव नहीं कर पाते। इसी तरह कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ वही पाया जाता तो नहीं सर्वाइव करते। इस तरह से हम एक दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, हमारी जो सर्वाइवेबिलिटी है वो दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करती है, ठीक है। दूसरी चीज़ें हैं तब हम जिंदा हैं। फिर ये अल्लाह ने ऐसी कुदरत बनाई है कि हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो इस वजह से ये हमारी इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी, जितने भी मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो पाए जाते हैं तो उसी वजह से हमारा इकोसिस्टम बनता है। और इकोसिस्टम में रहने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और एक दूसरे की सर्वाइवेबिलिटी को, एक दूसरे की सर्वाइवेबिलिटी को क्या करते हैं, ये हमारी बढ़ा देते हैं, ठीक है, हमारी सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा अब बायोडाइवर्सिटी में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, जैसे ये मेडिसिनल रिसोर्सेज, मेडिसिनल रिसोर्सेज क्या होती हैं, जो मेडिसिन बनती हैं वो आपकी कुछ एनिमल से भी आती हैं, कुछ प्लांट से भी आती हैं, ठीक है। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है कैसे आती हैं, लेकिन ये रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है। फिर मेडिसिन फ्रॉम नेचर अकाउंट फॉर यूजेज बाय 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि जितनी भी 80% मेडिसिन आती हैं ना वो सब कहाँ से आती हैं, इन्हीं तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिज्म से आती हैं जो कि मेडिसिन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी नेचर को ब्यूटिफाई, यानी कि खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारे ट्रीज, इसके अलावा उस उनको इन्हेंस करने के लिए एनिमल्स हैं जो कि अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से टूर पे जाया जाता है ना। आप मरी वगैरह जाते हो तो वहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से जाते हो, आप इस्लामाबाद जाते हो तो आप वहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से जाते हो। कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में जाने के बड़े शौकीन होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो हो वो यानी कि कुछ लोग एनिमल्स को देखने के बहुत शौकीन होते हैं तो वहाँ पे उस वजह से जाते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स सिर्फ एक रीजन में पाए जाते हैं, स्पेसिफिक रीजन में वो वहीं पाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स वहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे मतलब, तो कुछ लोग उनको देखने के लिए भी टूर पे जाया करते हैं, वर्ल्ड टूर पे या कंट्री टूर जो होता है उसकी वजह से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस है, आप पढ़ेंगे आपको खुद भी समझ आ जाएगा। अच्छा ये देखें, ये कुछ पिक्चर्स हैं कि ये देखें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ये प्लांट्स के नाम हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, ठीक है, हॉर्नवॉर्ट्स, लिवरवॉर्ट्स, मॉसेस, ये सब एक स्पेसिफिक रीजन्स में पाए जाते हैं। पोलर बेयर ये आपको आम जगहों पे नहीं मिलेंगे, ब्लू बर्ड, कोबरा, डेजर्ट हॉपिंग माउस, ये सिर्फ आपको स्पेसिफिक जगह में मिलेंगे। और कुछ लोग, जो लोग खास तौर पे इन पे रिसर्च कर रहे होते हैं, वो लोग स्पेसिफिकली इन जगहों पे जाते हैं ताकि वो उनको देखें, ठीक है, इन इनको ऑब्जर्व करें। फिर अच्छा अब
क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि हमें डिवाइड किया हुआ है, हमें डिवाइड किया हुआ है, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, एनिमल्स को, यानी कि हमें ह्यूमन बीइंग्स को एनिमल ग्रुप में डाला हुआ है, प्लांट्स को प्लांट ग्रुप में डाला हुआ है, फंजाई है उनको फंजाई ग्रुप में डाला हुआ है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना ग्रुप है, अपनी स्पीशी है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन कहलाती है, डिवीजन कहलाती है। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो हैं, लेकिन हमें क्लासिफाई कर दिया, हमें डिवाइड कर दिया एनिमल्स में, यानी कि हम एनिमल्स में आते हैं, क्योंकि हमारे फीचर्स जो हैं वो एनिमल लाइक हैं, एनिमल जैसे हैं। प्लांट्स हमारे हमारे अंदर ऐसी कोई फीचर नहीं है, हमारे अंदर कोई करेक्टरिस्टिक ऐसी नहीं है जो कि प्लांट से मिलती हो, तो हम प्लांट ग्रुप में नहीं आ सकते, हम प्लांट ग्रुप में डिवाइडेड नहीं है, हम एनिमल ग्रुप में डिवाइडेड हैं, हम एनिमल ग्रुप में क्लासिफाइड हैं, ठीक है। अच्छा, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, रूल्स, यानी कि कैसे क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर। कब, जब मतलब स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्ट हुआ था ना क्लासिफाई करना, तो इन बेसिस ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर और होमोलॉगस स्ट्रक्चर की बेसिस पे क्लासिफाई किया होता। अब ये है क्या, अब इसमें आपको ये पता चलेगा, ये सबसे पहले हमने ये देखा, यानी कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये देखा कि अगर हम इनको स्ट्रक्चर की बेस पे, यानी कि इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं। फॉर सपोज अगर यहाँ पे बटरफ्लाई, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर जो है, अगर उसके विंग्स की बात करें, और बैट यानी कि जो चमगादड़ होता है उसके विंग्स की बात करें, ये बटरफ्लाई का विंग्स हैं और ये बैट के विंग्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों के जब हमने स्ट्रक्चर को स्टडी करा, तो हमें ये नजर आया कि इन दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है ना, डिफरेंस नजर आ रहा है ना बटरफ्लाई के विंग्स में और बैट के विंग्स में, लेकिन इन दोनों का फंक्शन एक है, फंक्शन यानी कि काम एक है, उड़ना, यानी कि फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स जिनका आउटर व्यू या इनर व्यू जो है, यानी कि इनर स्ट्रक्चर या आउटर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन फंक्शन एक जैसा होता है, यानी कि बैट ऑफ विंग्स एंड बैट सॉरी 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 विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई हेल्प्स देम टू फ्लाई, ठीक है, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। बटरफ्लाई के विंग्स का स्ट्रक्चर और बैट के विंग्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, यानी कि वो स्ट्रक्चर जो के आपके वो ऑर्गन्स या वो पार्ट्स जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन जो आपका फंक्शन होता है वो सेम होता है, वो एनालॉगस स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। और होमोलोगस स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन्स या होमोलोगस पार्ट्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर अलग होता है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ मैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर जिनका जो है वो स्ट्रक्चर एक जैसा होता है, सिमिलर होता है, और उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ह्यूमन हैंड की बात करें, होमोलोगस स्ट्रक्चर की बात करें, ह्यूमन हैंड की बात करें, कैट कैट के लिम्स की बात करें, हैंड्स की यानी के वेल के फिन्स की बात करें, और बैट के भी विंग्स की बात करें, तो अगर आप देखें तो ये वाली बोन, यानी कि ऊपर वाली बोन अगर आपको ये नजर आ रही है वाइट कलर की, ये वाली, इन सब का एक ही नाम है, रेडियस कहते हैं इसे, ठीक है। बहरहाल आपको नाम जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप देख रहे हो कि ये सिमिलर स्ट्रक्चर हर किसी ये सिमिलर बोन हर स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है, यानी कि ह्यूमन के हैंड में भी, कैट के हैंड में भी, वेल के हैंड में भी, बैट के हैंड में भी, ठीक है। लेकिन अब आप अगर इनके फंक्शंस को देखें तो फंक्शंस अलग अलग हो गए, यानी कि बैट के विंग्स का फंक्शन जो है वो उड़ना होता है, वेल के फिन्स का फंक्शन जो है वो स्विम करना होता है, कैट के विंग्स का फंक्शन
वॉक करना, उस विंग्स बोल रहा हूँ सॉरी, कैट के लिम्स यानी कि हैंड्स का फंक्शन, जो आगे वाले दोनों पैर होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, चलना यानी कि वॉक करना, और ह्यूमन के हैंड्स का फंक्शन, हम अपने हाथों से फंक्शन वॉक नहीं करते लेकिन हम दूसरे काम करते हैं, ठीक है, डिफरेंट खाना यानी कि पकाना, लिखना, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। तो ये आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें ये सारे स्ट्रक्चर यानी कि सारे जो पार्ट्स हैं ये वाले, इन सबका स्ट्रक्चर एक जैसा है, ठीक है। इन सबकी जो बोन्स हैं, इन सबका इंटरनल स्ट्रक्चर वो एक जैसा है, बाहर के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा है लेकिन फंक्शंस अलग अलग हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिन ऐसे पार्ट्स, ऐसे ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा होता है और फंक्शंस अलग अलग होते हैं वो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, और जिनके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं और फंक्शन एक जैसे होते हैं वो एनालोगस स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया, कुछ को एनालोगस स्ट्रक्चर्स की बेसिस पे, कुछ को होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की बेसिस पे क्लासिफाई किया, डिवाइड किया। फिर टेक्सोनोमिक हायरार्की, टेक्सोनोमिक का मतलब होता है कि आपने क्लासिफिकेशन करी, क्लासिफिकेशन। अच्छा, मैं पूरा नहीं लिख रहा, आप लोगों को डेफिनेशन स्पेलिंग पता है, मैं क्या माउस से लिख रहा हूँ तो मुझे टाइम लगेगा। हिरार्की का बताता हूँ, हिरार्की का मतलब होता है लेवल्स, हिरार्की का मतलब होता है लेवल्स, ठीक है। यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल्स, ठीक है, लेवल्स की बेस पे सबको क्लासिफाई किया गया। ये है पूरी क्लासिफिकेशन का ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले अगर हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, फॉर सपोज मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर आपके सामने ग्रुप ऑफ डिफरेंट एनिमल्स हैं, उसमें जेब्रा भी है, उसमें लाइन भी है, उसमें गोट भी है, उसमें काउ भी है, उसमें ह्यूमन बीइंग्स भी है, ठीक है, ये पांच हैं, तो ये सब जितने भी ग्रुप्स में आएंगे वो किंगडम में आएंगे, किंगडम में यानी कि ये सब ग्रुप, किंगडम कौन सा होगा, एनिमल का किंगडम होगा। फिर उसमें से भी फाइलम में डिवाइड करेंगे, यानी कि उसके अंदर हम फाइलम में डिवाइड करेंगे, फिर फाइलम के बाद हम क्लास में डिवाइड करेंगे, क्लास के बाद हम ऑर्डर में डिवाइड करेंगे, ऑर्डर के बाद हम फैमिली में डिवाइड करेंगे, फैमिली के बाद हम जीनस में डिवाइड करेंगे, और जीनस के बाद हम स्पीशीज में डिवाइड करेंगे। अच्छा, इसको इसी ऑर्डर में आपने याद करना है, आपने ऐसा नहीं करना कि किंगडम के बाद आपने क्लास लिख दिया और ऑर्डर लिख दिया, बीच में फाइलम नहीं लिखा तो ये गलत हो जाएगा। तो ये ऑर्डर ऑफ, ये पूरा ऑर्डर है एक, ठीक है, ये इसी ऑर्डर में आपने याद करना है, किंगडम के बाद फाइलम आता है, फाइलम के बाद क्लास आता है, ये ग्रुप्स हैं, इनको अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में डाला जा रहा है। यानी कि अब ह्यूमन का, ह्यूमन को एनिमल में तो लाया जाता है लेकिन ह्यूमन को किसी काऊ के या किसी लायन के ग्रुप में नहीं डाला जाएगा, ह्यूमंस को ह्यूमंस के स्पेसिफिक ग्रुप में डाला जाएगा, इसी तरह काउस को काउस के स्पेसिफिक ग्रुप में डाला जाएगा, है ना। तो ये जितनी भी क्लासिफिकेशन होती है इस ऑर्डर में चलती, किंगडम से और स्पीशीज पे जाके एंड हो जाती है। और स्पीशीज क्या होती थी, क्या होती थी स्पीशीज, याद करें मैंने आपको स्टार्टिंग में पिछले चैप्टर में बताया था कि स्पीशीज कहलाती हैं, सेम दिखने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्पीशीज कहते हैं, जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिनके सेम फीचर्स होते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का स्ट्रक्चर, आप जितने भी ह्यूमंस देखोगे आपको हर एक का स्ट्रक्चर एक जैसा नजर आएगा, है ना। आप ह्यूमन को किसी काओ के साथ कंपेयर कर सकते हो, नहीं,
किसी गोट के साथ कंपेयर कर सकते हो? नहीं, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर में अलग है, यानी कि ह्यूमन की स्पीशीज, ह्यूमन का ग्रुप जो है वो स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है। समझ आ रहा है सबको? यानी कि एक जैसे दिखने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि आगे रिप्रोड्यूस भी करते हैं, वो तमाम तर क्या होते हैं, स्पीशीज कहलाते हैं, स्पीशीज ग्रुप में, यानी कि स्पीशीज जो है वो उस ग्रुप में आते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर ये आपके पास ये दो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है, ह्यूमंस को और पी, यानी कि मटर जो होता है, पीस जिसे कहते हैं मटर, ठीक है, उसका उसको इंग्लिश में पीस कहते हैं। पहले इसका किंगडम क्या है? किंगडम अगर ह्यूमन की बात करें तो किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम क्या है, कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली मोनिडा, जीनस होमो और स्पीशीज सेपियंस। और इसका साइंटिफिक नेम ह्यूमंस का क्या होता है, यानी कि बायोलॉजी में ह्यूमंस को, इंग्लिश में हम ह्यूमंस कहते हैं लेकिन बायोलॉजी में हम ह्यूमंस को क्या कहते हैं, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। इसी तरह ये पूरी पीस की है, ग्रुप्स यानी कि ग्रुपिंग की हुई है। पीस किस में आता है? प्लांट में आएगा, एनिमल ग्रुप में तो आएगा नहीं, है ना। उसका फिर फाइलम है, फिर उसकी क्लास है, फिर उसका ऑर्डर है, फिर उसका फैमिली है। अच्छा, और फिर इसका साइंटिफिक नेम है पाइसन सेटिवम। ये पीस का साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, बायोलॉजी में हमने हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके नेम से पहचाना है। ठीक है, बायोलॉजी में उसके नेम से पहचाना है, हम उसको ह्यूमन या पीस करके नहीं बुलाते बायोलॉजी में। अभी तो आप बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हो, तो अभी आप तो इसको इस तरह पढ़ सकते हो, लेकिन जब आप एडवांस क्लासेस में जाओगे, जब आपको इस तरह नहीं, आपको पीस को स्पाइसन सेटिवम कहकर बुलाना होगा, ह्यूमन को होमोसेपियंस कहकर बुलाना होगा, क्योंकि इनके साइंटिफिक नेम्स हैं, इसी वजह से ही इनको क्लासिफाई किया गया। ठीक है, अच्छा, या आपने भी याद करना है, मैं आपको बता दूंगा, अभी फिलहाल हम समझ रहे हैं। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या वजह थी और क्यों हमने करा। सबसे पहले हमने इनको सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज में, यानी कि किन बेसिस पे ये एक जैसे दिखते थे, ठीक है, और इनमें क्या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स थे, यानी कि क्या चेंजेस थी इस बेसिस पे, ये किस, यानी कि पहली जो चीज पे हमने इनको क्लासिफाई करा है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज पे क्लासिफाई करा। और उसके बाद, यानी सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज का मतलब क्या होता है, किस तरह ये एक जैसे दिखते हैं, जैसे मैंने वो होमोलोगस और एनालोगस स्ट्रक्चर बताया था, और किस तरह ये अलग अलग हैं, इस बेसिस पे हमने क्लासिफाई करा। फिर इनमें चेंजेस क्या आई है, यानी कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस, एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हर एक का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या एक कैसे एक दूसरे से पर डिपेंड करते हैं, इस वजह से हमने डिवाइड करा इनको। ठीक है, अच्छा, फिर ये हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है, किस किस ने क्लासिफाई करा। एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट था, उसने क्लासिफाई करा। कैरोलस लाइनस एक साइंटिस्ट था, इसने क्लासिफाई करा। ये फिर उस्मान उमर अल जहेज, इन्होंने भी क्लासिफाई करा। ठीक है, अच्छा, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल ने किस तरह डिवाइड करा, एरिस्टोटल ने इस तरह डिवाइड करा कि जिनके जिन एनिमल्स के पास ब्लड है, एनिमल्स विद ब्लड, एनिमल्स विदाउट ब्लड में कर दिया, कि कुछ एनिमल्स की बॉडी में खून होता है, कुछ एनिमल्स की बॉडी में खून नहीं होता, इस बेसिस पे एरिस्टोटल ने डिवाइड करा। या कुछ एनिमल जो है वो वाटर में रहते हैं और कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, यानी कि इस बेसिस पे उसने डिवाइड करा, एक तो ब्लड की बेसिस पे और एक लैंड और वाटर की बेसिस पे। ठीक है, एरिस्टोटल ने इस तरह डिवाइड करा। फिर ये वाला जो साइंटिस्ट है उमर अल जहेज, इसने किस बेसिस पे डिवाइड करा है,
इसने क्या, ये मतलब इसने डिवीजन तो करी है, इसकी बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, यानी कि इसने बहुत सारे काम करे हैं। जैसे ये क्या करता था, एनिमल्स को स्लॉटर कर देता था, एनिमल्स को जिबा करके उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करता था, ठीक है। फिर इसने क्या करा, इसने ये एक अपनी किताब लिखी, किताबुल हैवान, बुक्स ऑफ एनिमल्स, इसने ये वाली बुक लिखी, और जो कि जोलॉजी की बुक थी, यानी कि एनिमल्स जोलॉजी से रिलेटेड है ना। तो इसने ये किताबुल हैवान पे बुक लिखी और इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल के बारे में बताया, उनके बिहेवियर के बारे में और उनकी डिजीज और ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि उनको कौन कौन सी डिजीज होती है, उनके ट्रीटमेंट के बारे में अपनी किताबुल हैवान में बताया, ठीक है। फिर आते हैं हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, यानी कि फिर हमने, फिर क्या हुआ कि ये जो क्लासिफाई किया गया ना, जब जब इसको क्लासिफाई कर दिया गया, यानी कि जब हम क्लासिफिकेशन का स्टार्ट था, यानी कि जब साइंटिस्ट आते जा रहे थे, क्लासिफाई करते जा रहे थे, तो हुआ ये कि सबसे पहले दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया, यानी कि दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, दो किंगडम में डिवाइड कर दिया। यानी कि पहले ये समझा जाता था सिर्फ दो किंगडम है, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स हैं वो एनिमल के ग्रुप में चले जाएंगे, जो प्लांट्स हैं वो प्लांट के ग्रुप में चले जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो कि ना एनिमल जैसे थे ना प्लांट जैसे थे, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पे जाना पड़ा, जो कि किसने ये प्रेजेंट किया, अर्नस्ट हैकल ने, अर्नस्ट हैकल ने ये प्रेजेंट किया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि अब तीन किंगडम हो गए, पहले दो थे इसके बाद तीन हो गए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे एक और किंगडम आ गया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल तो वैसा ही रहा, लेकिन अब किंगडम प्रोटिस्टा आ गया जिसमें यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यूनिसेलुलर क्या होते थे मैंने आपको बताया हुआ है, जो सिंगल सेल होते हैं, ठीक है, सिंगल सेल जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है, ठीक है। इन इस उन तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर, यानी कि जितने भी यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको प्रोटिस्टा में डाल दिया, सही है, और बाकी प्लांट वाले प्लांट में चले गए, एनिमल वाले एनिमल में चले गए। फिर ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में आ गया, क्योंकि ऐसे भी यूनिसेलुलर देखे गए, ऐसे भी सिंगल सेल वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे गए जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं आ रहे थे, फिर उनका मजीद डिवाइड करा गया, उनको डिवाइड किया गया किंगडम मुनेरा में, किंगडम मुनेरा में डिवाइड किया गया, किंगडम प्रोटिस्टा वैसा ही रहा, किंगडम प्लांट का नाम कर दिया किंगडम मेटाफाइटा, और किंगडम एनिमल का नाम कर दिया किंगडम मेटाजुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है। एनिमल्स के किंगडम का नाम जब फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आई तो हुआ ये कि किंगडम मेटाजुआ जो कि किंगडम एनिमल्स था, ये जिस साइंटिस्ट ने भी करी थी उस साइंटिस्ट ने इस किंगडम का नाम किंगडम मेटाजुआ रख दिया था, और किंगडम प्लांट्स का नाम किंगडम मेटाफाइटा रख दिया था, ठीक है। बाकी प्रोटिस्टा वैसा ही रहा, और किंगडम मुनेरा एक एडिशनल नाम आ गया जिसे कहा जाता है, यानी कि किंगडम मुनेरा किस बेसिस पे किंगडम बनाया गया, वजह क्या है। अब यहाँ पे देख रहे हो प्रो कैरियोट वर्ड लिखा है, मैंने आपको प्रो कैरियोट का वर्ड बताया और यहाँ पे यू कैरियोट लिखा हुआ है। प्रो कैरियोट और यू कैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते थे, अगर आपको सेल का स्ट्रक्चर याद है पुरानी वीडियोस में, जो मैंने सेल का स्ट्रक्चर आपको डिटेल में पढ़ाया था, अगर नहीं आते तो बराए मेहरबानी पहले इस वीडियो को पॉज करके आप सेल के स्ट्रक्चर को जाके देखें और फिर इस वीडियो को दोबारा चलाइएगा। सेल का स्ट्रक्चर सबको बेसिक पता होना चाहिए, मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है, सेल का स्ट्रक्चर नहीं बदला, आपकी आपके कोर्स बदलने से सेल का स्ट्रक्चर नहीं बदला, जो मैंने आपको पुराना स्ट्रक्चर बताया वही सेल का स्ट्रक्चर इसमें भी वही है, ठीक है। अगर आपको याद है कि ये सेल, अगर ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता था जो आपके जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता था, यानी कि जो आपके मदर फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स आते थे वो इसी जेनेटिक मटेरियल के जरिए आते थे, याद है मैंने आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया था।
ठीक है, ऊपर वाली डेफिनेशन अगर आपको याद है मैं आपको फिर बता ही देता हूँ, आप लोगों को याद तो होगा नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये रहा जेनेटिक्स, ये याद है हेरिडिटी के बारे में बताया था मैंने आपको, जेनेटिक्स जो जेनेटिक मटेरियल आपकी न्यूक्लियस में होता है। बहरहाल अभी क्या होता है ये आपको उसी वीडियो में जाके देखना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है, वो इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग मटेरियल होता है जो कि आपके मदर और फादर की बॉडी से आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके आउटर वाली लेयर क्या कहलाती थी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, याद है सबको। और ये सेल की आउटर मेम्ब्रेन या तो सेल मेम्ब्रेन होती है, या फिर अगर प्लांट्स होंगे तो एक एडिशनल लेयर और आती थी जैसे कहते थे सेल वॉल, ये वाली सेल वॉल थी, ये सेल मेम्ब्रेन थी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये अंदर जेनेटिक मटेरियल है, याद है ना सबको, या सब भूल गए हो? भूल गए हो तो पहले अपनी वीडियोस देख लो फिर उसके बाद ये देखना, वरना आपको सेल का स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा, सेल का स्ट्रक्चर नहीं समझा हुआ आपने, डायनेमिक वीडियो में मैंने आपको बना के भेजा हुआ है, आप पहले वो देखो, ठीक है। फिर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनो बैक्टीरिया, ये तमाम तर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स आते हैं, यानी कि इनमें जो है वो, यानी कि जितने भी किंगडम मुनेरा होते हैं, किंगडम मुनेरा जो है वो उसमें उन तमाम तर सॉरी जितने किंगडम मुनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेल्यूलर तो होते ही हैं, सॉरी बार बार गलत बना रहा हूँ। ये अगर हम बैक्टीरिया के सेल की बात करें तो बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही होता है बस बस, ना कोई और स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूक्लियस का, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया में भी और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते थे? प्रोकैरियोट्स कहते थे, ठीक है, इनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और जिनमें इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है यानी कि जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिनके पास पूरा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का, वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्योंकि ये बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं वो ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जो कि प्रोकैरियोट्स थे, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, तो उनको इस किंगडम में तो रखने से रहे प्रोटिस्टा में, तो उनके लिए एक अलग किंगडम डिवाइड कर दिया, किंगडम मुनेरा। तो किंगडम मुनेरा में जब उनको डिवाइड करा तो फिर उनके लिए एक अलग किंगडम फाइनली तैयार हो गया। फिर फाइनल एक डिविजन हुई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की, जिसे रॉबर्ट वाइटेकर ने प्रेजेंट किया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। किस बेसिस पे? सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी कैसी है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आइदर यूनिसेलुलर है, सेल यूनिसेलुलर है या नहीं, प्रोकैरियोट्स हैं यानी कि जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है या नहीं, ठीक है, इसके अलावा मल्टी सेलुलर है, किस यानी कि सेल का स्ट्रक्चर है ना, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, बॉडी कैसी दिख रही है, मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है या फिर यूकैरियोट है प्रोकैरियोट है, और इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि वो किस बेसिस पे खाना खाते हैं, ऑटोट्रॉप्स हैं या हीटरोट्रॉप्स हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है जो अपनी ही बॉडी में खुद खाना प्रिपेयर करें, और हीटरोट्रॉप्स का मतलब होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी बॉडी में खाना प्रिपेयर नहीं करते, वो किसी और बॉडी में बॉडी से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, जैसे हम हीटरोट्रॉप्स हैं। हम जो हैं वो प्लांट्स, अगर अगर हम स्पिनिच की बात करें या वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स क्या हैं? प्लांट्स हैं। हम वेजिटेबल्स को खा रहे हैं, यानी कि हम अपनी बॉडी में फूड नहीं ऑब्टेन बना रहे हैं, हमारी बॉडी में तो फूड नहीं बन रहा ना, हम जो है वो फूड कहीं और से लेके खा रहे हैं, मीट कहीं और से लेके खा रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की वजह से अपनी बॉडी में फूड प्रिपेयर करता है और अपनी बॉडी में उसको यूटिलाइज कर लेता है, यानी कि फूड भी अपनी बॉडी में प्रिपेयर करता है और यूटिलाइज भी अपनी बॉडी में खुद कर लेता है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी बॉडी में खुद फूड प्रिपेयर करें और फिर उसे खुद खा लें या फिर उसके खुद यूज कर लें, तो वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं।
और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी बॉडी में खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते वो हीटरोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर इसने किस तरह से जो है वो क्लासिफाई करा, वो इस बेसिस पे, पहले किंगडम मुनेरा जो मैंने आपको बताया था, पहला किंगडम इसने बोला किंगडम मुनेरा, यानी कि इसमें तमाम तर प्रोकैरियोट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जिनको जिन एग्जांपल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, ये साइनोबैक्टीरिया ही होता है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया ही होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया किंगडम मुनेरा में आके ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इनके पास जेनेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जेनेटिक मटेरियल है। क्या आपको कहीं यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रही है? नहीं है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, और बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया इसकी एग्जाम्पल है। इसी तरह ये साइनोबैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ये सारे प्रोकैरियोट्स में आ गए, मुनेरा में आ गए। ठीक है, इस फिर आता है किंगडम प्रोटिस्टा, यानी कि ये यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और ये यूकैरियोट्स हैं, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। पैरामीशियम हो गया, एल्गी हो गया, एल्गी वो जो आपके पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन सा नहीं आ जाता, अक्सर बारिश का पानी जमा हो जाता है तो ऊपर से ग्रीन ग्रीन सा आ जाता है, दैट इज नोन एज द एल्गी। ठीक है, वो एल्गी कहलाता है। ठीक है, फिर ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स होते हैं। अच्छा, एल्गी यूनिसेलुलर नहीं होते, लेकिन एल्गी जो है वो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। कॉलोनी मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 में वॉलवॉक्स से पढ़ा रहा था कि जब बहुत सारे सेल जो है वो आपस में ग्रुप बना के रहे तो वो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, तो एल्गी कॉलोनी की फॉर्म में रहता है जब भी हमें वो इस तरह से नजर आता है। ठीक है, पैरामीशियम जो है वो यूनिसेलुलर है, वो इस तरह से नजर आता है, इस तरह से, यानी कि इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अमीबा हो गया, इसके अलावा यूग्लीना हो गया, ये सब प्रोटिस्टा में आते हैं, ये सब यूकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, और ज्यादातर क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर में रहने वाले। ठीक है, सबको समझ आ गया, कोई मसला नहीं है, वैसे बहुत आसान लिखा हुआ है। अच्छा, फिर है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में मल्टी सेलुलर आते हैं, यानी कि अब आप ये जो एल्गी है ना, ये मल्टी सेलुलर नहीं होता, ये यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, ये ग्रुप में रहता है, ये भी सेल का स्ट्रक्चर फॉर्म, यानी कि सेल एक दूसरे से जुड़ के, सेल जो है वो एक दूसरे से जुड़ के वो कोई बॉडी नहीं बना रहे एल्गी में, इसका कोई स्पेसिफिक एक जैसे कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, अलग अलग किसी भी शेप में होता है। ठीक है, तो कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता। फिर किंगडम फंजाई में क्या आता है, यूकैरियोटिक फंजाई, यानी कि मल्टी सेलुलर होते हैं और ये एक क्लोरोफिलस होते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जो कि वो केमिकल होता है जो कि प्लांट्स को ग्रीन बनाता है, जो कि प्लांट्स की फूड मेक करने में हेल्प करता है, फूड मेकिंग में हेल्प करता है, वो क्लोरोफिल कहलाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। लेकिन ये जो आपको नजर आ रहा है, मशरूम हो गया, म्यूकोर हो गया, ये सब फंजाई में आते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, ये तमाम तल मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि इनका, अब आप देख रहे हो हर मशरूम का ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हर एल्गी का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता। ये तो आपको एक एग्जांपल दे दी है। ठीक है, लेकिन ये अब एक वेल डिफाइंड शेप आ गई, अब एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर आ गया, सही है। तो ये म्यूकोर जो है वो एक फंजाई है, ये भी एक फंजाई है, इनका भी ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये मल्टी सेलुलर है। इसके अलावा ये एब्जॉर्प्टिव हीटरोट्रॉफ्स हैं। एब्जॉर्प्टिव क्या, हीटरोट्रॉफ्स का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि जो किसी और बॉडी में रह के या फिर कहीं और से फूड ऑप्टेन करें, अपनी बॉडी में फूड प्रिपेयर नहीं करते। अच्छा भाई, इनमें क्लोरोफिल है नहीं, जब क्लोरोफिल नहीं है तो अपनी बॉडी में तो फूड भी नहीं प्रिपेयर करेंगे, इनको कहीं और से फूड ऑप्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव का मतलब ये होता है कि जज्ब करके, एब्जॉर्ब करके फूड ऑप्टेन करते हैं, यानी कि अगर ब्रेड को, डबल रोटी को अगर थोड़ी दिन रख दो ऐसी बगैर खुले खुले, तो उस पे ग्रे ग्रे सा मटेरियल लगना शुरू हो जाता है, ग्रीन सा, तो वो फंजाई होता है।
कुछ दिनों में वो पूरी ब्रेड को खत्म कर देंगे। ऐसे ही होता है ना, वो बढ़ता रहता है फंजाई, जो डबल रोटी का पीस होता है वो खत्म होता रहता है, ब्रेड का पीस खत्म होता रहता है, तो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं फंजाई अपनी बॉडी में, उस ब्रेड को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एब्जॉर्प्टिव मेथड होता है। एब्जॉर्प्टिव, एब्जॉर्प्टिव का मतलब होता है जज्ब करके, एब्जॉर्ब करके फूड ऑब्टेन करना। इनके पास सेल वॉल होती है, इनकी सेल में क्या होती है, सेल वॉल होती है जो कि काइटिन से बनी हुई होती है। काइटिन एक केमिकल कंपाउंड होता है, ठीक है। और इनकी बॉडी को क्या कहते हैं, माइसीलियम। क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं इनकी बॉडी को, यानी कि फंजाई की बॉडी को और म्यूकोर की बॉडी को माइसीलियम कहते हैं, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है। यानी कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें ना, तो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ होता है, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ होता है, जिसे कहा जाता है हाइफा या हाइफी कहा जाता है। ठीक है, तो ये माइसीलियम किस स्ट्रक्चर से मिलके बनता है, हाइफी से मिलके बनता है। और इन यानी के ये जो इनके जो सेल होता है, ये जो सेल वॉल होती है इनकी, वो काइटिन से मिलके बनी होती है, इनके पास सेल वॉल होती है। फिर ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इसके अलावा यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, क्लोरोफिल नहीं होता, और ये एब्जॉर्प्टिव मेथड से फूड ऑब्टेन करते हैं, और ये हीटरोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, फिर किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी में मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यू यानी कि ट्रू न्यूक्लियस होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जब क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा, और जब फोटोसिंथेसिस होगा तो ये ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि ये वाहिद वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इसके अलावा कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, प्लांटी में यानी कि प्लांट में मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके अपने बॉडी में फूड प्रिपेयर करते हैं। इनकी बॉडी, इनके सेल में भी क्या होती है, सेल वॉल होती है, और जो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। यहाँ पे काइटिन से मिलके बनी होती है किंगडम फंजाई में, और यहाँ पे सेलुलोज से, ये दोनों अलग अलग केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, फिर इनमें ये डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स, ये दूसरे टाइप का एल्गी है। ठीक है, ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। ठीक है, मैंने आपको वही बताया, वेरियस डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, आपको तो बहुत सारों का नाम भी नहीं पता होंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के एल्गी के भी बहुत टाइप्स होती हैं। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जेम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, ये सब प्लांट के ग्रुप्स हैं, टाइप्स हैं उनकी। ठीक है, ब्रायोफाइट्स हो गया, अल्वा हो गया, ठीक है, ये सब आपके पास, ये तमाम तर जो हैं वो सब प्लांट्स की टाइप हैं। फिर किंगडम एनिमेलिया, ये तो बहुत आसान है, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, इंजेस्टिव हीटरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि ये अपने माउथ से, यानी कि ये अपने माउथ से फूड को ऑप्टेन करते हैं। वो तमाम तर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने माउथ से फूड ऑप्टेन करें वो क्या कहलाते हैं, इंजेस्टिव हीटरोट्रॉफ्स, यानी कि ये भी बाहर से फूड ऑप्टेन करते हैं, इनको भी फूड ऑप्टेन करने के लिए अपनी बॉडी में फूड प्रिपेयर करना नहीं पड़ता, ये फूड ऑप्टेन बाहर से करते हैं, और इनकी इनके सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, मल्टी सेलुलर का मतलब आपको पता है, यूकैरियोट का मतलब आपको पता है, इसमें वर्टिब्रेट्स भी होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास बैक बोन होती है, रीढ़ की हड्डी, और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, यानी कि बैक बोन नहीं होती। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये चार्ट है, अगर आपको अपने समझने के लिए अगर आपको करना है तो आप देख लो। आप यहाँ पे देखो, मुनेरा जो है वो सेल टाइप कैसी है इनकी, प्रोकैरियोट है, और ये प्रोटिस्टा भी यूकैरियोट है, फंजाई भी यूकैरियोट है, प्लांटी भी और एनिमल भी। फिर सेल वॉल इनकी किससे मिलके बनी है ये देख लें। ठीक है, प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं होती, फंजाई में प्रेजेंट होती है। अच्छा, यहाँ पे एक करेक्शन कर लें, फंजाई में सेलुलोज लिखा हुआ है, इसको कट करके काइटिन लिख दीजिएगा, ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हो गई, काइटिन लिख दिया, मेरी नजर से गुजर ली तो मैंने पढ़ लिया, काइटिन लिख दीजिएगा। ठीक है, ये और ये प्रेजेंट होते हैं, सेलुलोज से मिलके बनती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट में पाई जाती है, ठीक है, और मुनेरा में एबसेंट होती है। बाकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सेल कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, और ये सब आपको पढ़ने से समझ आ जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका कैसा होता है, ठीक है, कौन किस तरह से फूड ऑप्टेन करता है, ठीक है, ये बहुत आसान से था। फिर एक और ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म आ ही गया जिसका स्ट्रक्चर ही समझ नहीं आया, वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर समझ ही नहीं आया किसी को। वायरस एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर रखता है, यानी कि इनका नॉन सेलुलर होता ही है, इसका सेल जैसे स्ट्रक्चर होता ही है, लिविंग भी होता है नॉन लिविंग भी होता है, ठीक है। ये ऑब्लिगेट एंडो पैरासाइट होता है। पैरासाइट क्या होता था, याद है सबको, जो कि किसी और बॉडी में रहता है और फूड ऑब्टेन करता है, याद है, पैरासाइटोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, आपको याद तो होगा नहीं लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है ये कंप्लीटली डिपेंड करता है किसी और लिविंग बॉडी में रहता ही, इस वजह से है क्योंकि ये अपना फूड ऑब्टेन कर सके। अगर ये उस बॉडी से निकल जाए ना तो ये मर जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे ही किसी और बॉडी के अंदर दाखिल होगा ये एक्टिव हो जाएगा, जैसे ही किसी बॉडी से बाहर आएगा वैसे ही ये इनएक्टिव हो जाएगा। नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई सेल के कॉम्पोनेंट्स नहीं होते, कोई सेल के पार्ट्स नहीं होते, सिर्फ इसको लिविंग किस वजह से कहा जाता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मटीरियल होता है, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए इसमें मौजूद होता है, इस वजह से इसको लिविंग कहा जाता है, वरना ये नॉन लिविंग है। और डीएनए आरएनए तो उसी में होता है ना जो लिविंग होता है, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नॉन लिविंग होते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग होते हैं, ठीक है। फिर ये इसका स्ट्रक्चर नॉन सेलुलर होता है, ये सेल का स्ट्रक्चर नहीं रखता। दूसरा, ये ऑब्लिगेट एंडो पैरासाइट है, यानी कि ये दूसरी बॉडी में ही रहकर ही अपना फूड ऑब्टेन कर सकता है, अगर बॉडी से बाहर है तो ये फूड ऑब्टेन नहीं कर सकता और उसको नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता जब तक कि किसी बॉडी में नहीं जाए। कोरोना वायरस अगर बाहर है तो आपकी बॉडी में, अल्लाह ना करे, अगर जब दाखिल होता है तब ये हार्म कॉज करता है, नुकसान करता है, लेकिन जब ये आपकी बॉडी से बाहर है तब आप बिल्कुल सेफ हो। पहली जो टोबैको, जो तंबाकू होता है, यानी कि जो पहला वायरस जो देखा गया वो इस टोबैको प्लांट में देखा गया, और उसको डिजीज हुई थी टोबैको प्लांट को, टोबैको मोज़ेक डिजीज, टोबैको मोज़ेक डिजीज, ये डिजीज का नाम है, उसका नाम ये रखा गया, ठीक है। ये पहला वो डिजीज थी वायरस की, जिससे वायरस को यानी कि इन्वेंट किया गया, वायरस इजाद हुआ, यानी कि ये समझ लें आप कि वायरस को डिस्कवर किया गया वो इस डिजीज की वजह से किया गया। फिर एनिमल्स में ये कोल्ड में, यानी कि जब सर्दी लगती है या नजला खांसी, डेंगी होता है या पोलियो होता है, हेपेटाइटिस, एड्स, ये सब वायरल डिजीज हैं, ठीक है। फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, अच्छा ये वाली जो लाइन लिखी हुई है, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स, वायरस सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे बैक्टीरिया से भी छोटा, यानी कि बैक्टीरिया की बॉडी में भी घुस जाता है, ये इतना छोटा होता है ये। फिर वायरस से भी छोटा एक और होते हैं, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स, ये भी नॉन सेलुलर होते हैं। अब ये क्या होते हैं ये आपको हायर क्लासेस में पता चल जाएगा, ठीक है। प्रियॉन्स जो है वो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये अब आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा मैं, क्योंकि ये आपकी कोर्स में नहीं है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि वायरस से भी छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको प्रियॉन्स और वायरॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कैरोलस लाइनस ने क्या करा, कैरोलस लाइनस ने हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मैंने बताया कि साइंटिफिक नेम होता है, उनको नाम दे दिया ताकि वो ग्रुप्स में चले जाए, ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया, जैसे ह्यूमन बीइंग्स को होमोसेपियंस में डिवाइड कर दिया गया, इसके अलावा प्लांट्स को, सॉरी, अगर हम किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम होते हैं। अर्थवॉर्म का अलग नाम है, फ्रॉग का, अगर फ्रॉग को उसने नाम दिया राना टिग्रीना, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबको याद होना चाहिए, चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 1 अगर आपको याद है, चैप्टर 1 में, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये आपको याद होना चाहिए, ये मैं आपको बार बार इस वजह से बता रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप, राना टिग्रीना, साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, ये किसने दिया, कैरोलस लाइनस ने। ये ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस, मस्टर्ड, यानी कि सरसों के पौधे का ये साइंटिफिक नेम है, ये भी किसने दिया, किसने दिया, ये कैरोलस लाइनस ने दिया, ठीक है। ये देने की वजह ही यही थी, ताकि
ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएं, और जब इनको क्लासिफिकेशन में, इनको स्टडी करने में कोई मसला ना हो। सही है, समझ गए आप, कोई मसले की बात इसमें है नहीं, ऐसे बहुत आसान है ये। तो ये जो साइंटिफिक नेम इसने दिया है ना हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इस नेमिंग को, इस नेमिंग प्रोसेस को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इस नेमिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जो इसने नाम दिया है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। फिर इसने क्या किया, कुछ रूल्स बताए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। ये वैसे रूल्स साइंटिस्ट के लिए हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में शामिल कर दिए तो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, जब भी साइंटिफिक नेम को आप लिखोगे, ये रूल्स हैं लिखने के, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो नाम दिए गए वो रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। जो नाम आपको लिखने हैं, जैसे होमोसेपियंस जो है वो ह्यूमंस का नेम है, साइंटिफिक नेम है, तो होमोसेपियंस, होमोसेपियंस को आप इस तरह से इटैलिक फॉर्म में लिखोगे, यानी कि अगर एच इस तरह से लिखा जाता है नॉर्मल, तो इटैलिक वर्जन में इस तरह से लिखा जाता है, थोड़ा सा तिरछा, ये थोड़ा ज्यादा तिरछा हो गया, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा जाता है, इस तरह से इटैलिक वर्जन में लिखा जाता है। तो जब भी किसी साइंटिफिक नेम को लिखोगे तो हमेशा इस इटैलिक वर्जन में लिखोगे, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है ना, बाकी इन वर्ड से देखोगे तो इस नाम को इस तरह से टेढ़ा किया हुआ है। और दूसरा आप क्या करोगे, दूसरा आप ये करोगे, जब आप, जब भी आप इस तरह का साइंटिफिक नेम लिखोगे तो उसको अंडरलाइन करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप इस रूल्स को पढ़ सकते हो। फिर जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है, ठीक है, जो पहला वर्ड आप लिखते हो वो कैपिटल का होता है। अगर आपने दूसरा वर्ड यानी कैपिटल में लिखा, नहीं लिखा, तो गलत हो जाएगा। फिर इसके अलावा अगर आप बहुत सारी बार, क्योंकि इतनी बार ये नाम लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप इसकी एब्रीविएशन फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे रोजा इंडिका, रोजा इंडिका यानी कि रोज का, गुलाब के फूल का साइंटिफिक नेम है, रोजा इंडिका, रोजा इंडिका, रोजा इंडिका। बार बार अगर आप लिखते जाओगे तो आप इसकी एब्रीविएशन फॉर्म भी लिख सकते हो, आर इंडिका, आर यानी कि अगर मैं इसकी इस तरह लिखूं होमोसेपियंस की, तो होमो एच डॉट करके और मैं सेपियंस लिख दूंगा, एस ए पी आई ई एन एस, ठीक है, इस तरह एच सेपियंस, होमो सेपियंस, इस तरह से मैं एब्रीविएशन भी लिख सकता हूँ। लेकिन जब पहली बार लिखोगे तब तो आप पूरा लिखोगे, लेकिन उसके बाद आप लिखोगे तो आप इस तरह से लिख सकते हो। फिर होता यह है कि कभी कभी जिस ऑथर ने ये नाम दिया होता है ना, जैसे फॉर सपोज रोजा इंडिका या होमो सेपियंस, ये सब कैरोलस लाइनस ने दिया था, तो अक्सर जो है वो साइंटिस्ट इस नाम के बाद अपना नाम का इनिशियल वर्ड भी लगा देता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है मैंगो प्लांट का साइंटिफिक नेम है मैंगी फेरा इंडिका, और उसके आगे इसने एल यानी कि लाइनस का एल लिख दिया है, और ये लाइनस का एल ये इंडिकेट कर रहा है कि ये साइंटिफिक नेम किसने दिया है, लाइनस ने। तो कुछ ऑथर्स ये करते हैं जिन्होंने साइंटिफिक नेम दिया है, वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बस इतना भी लिख दोगे साइंटिफिक नेम जिस तरह मैंने आपको बताया, आप बिल्कुल वैलिड होगा। ठीक है, फिर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना, यानी कि कंजर्वेशन का मतलब होता है, फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, थोड़ा सा चैप्टर रह गया बस, ये एंड एंड पे है चैप्टर। कंजर्वेशन का मतलब होता है केयर करना, प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, हिफाजत करना, ताकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सके, सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि केयरिंग करना, सेविंग करना, और अपनी रहने वाली जगह को यानी कि उसकी प्रोटेक्शन करना। अच्छा भाई, बहुत सारे अब देखें, अगर डायनासोर्स जो है वो पहले पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते, तो जो डायनासोर्स हैं, जितने भी डायनासोर्स पहले हुआ करते थे, अब नहीं होते, लेकिन जो डायनासोर्स पहले होते थे, अगर मैं उनकी बात करूं तो वो, अगर एग्जाम्पल ले रहा हूं, वैसे तो कोई भी डायनासोर की केयर नहीं करता क्योंकि वो ऐसे खतरनाक लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन
लेकिन अगर उनकी केयर करते, उनको प्रोटेक्ट करते, तो आज अभी तक उनकी नस्लें पाई जाती, उनकी स्पीशीज पाई जाती है ना। तो कंजर्वेशन का मतलब यही होता है कि अगर आप किसी भी स्पीशीज को केयर करते हो, किसी उनको सेव करते हो, उनको प्रोटेक्ट करते हो, ताकि वो उनकी नस्ल ना खत्म हो जाए, ताकि वो इन डेंजर ना हो जाए, वो खत्म ना हो जाए, तो इस प्रोसेस को कंजर्वेशन कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, हर स्पीशी को, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को केयर करी जाए, नेचर को, प्लांट्स को केयर करी, उनकी केयर की जाए, उनको सेव किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया करा जाए। ठीक है, रीजंस क्या होते हैं, अब इनके रीजंस हैं, ये सारे रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि बायोडायवर्सिटी की वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हमें इसी वजह से मिलते हैं, हम जिंदा इस वजह से हैं। फिर बायोडायवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम यानी कि हमारे इन्वायरमेंट को बूस्ट करता है, हम एक दूसरे पे डिपेंड करें ना। अगर प्लांट्स को खत्म कर दिया जाए हम तब भी जिंदा नहीं रहेंगे, वाटर को खत्म कर दिया जाए हम तब भी जिंदा नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन को खत्म कर दिया जाए हम तब भी जिंदा नहीं रहेंगे, है ना। तो बायोडायवर्सिटी यानी कि जितने भी डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको कंजर्व करेंगे, तभी हमारा इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहेगा, मेंटेन रहेगा। फिर प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स जितने ज्यादा होंगे, यानी कि ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा, ओवर पॉपुलेटेड नहीं होने चाहिए, लेकिन बैलेंस्ड होने चाहिए, ताकि हमारे जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस्ड भी रहे, सॉइल यानी कि जो मट्टी है वो इम्प्रूव हो सके, इसके अलावा फ्लड ना आ सके, बहुत सारी वजह होती हैं इसकी वजह से, ड्राउट यानी कि खुश्क साली जिसे कहते हैं, कि बहुत यानी कि पानी खत्म ना हो जाए, ड्राउट का मतलब ये होता है, बहुत ड्राई ना हो जाए एरिया, यानी कि ये बायोडायवर्सिटी की वजह से सब कुछ मेंटेन्ड है। ठीक है, फिर है क्या क्या वजह से बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली, लैक ऑफ अवेयरनेस। क्या वजह है, अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है। ठीक है, दूसरी, वीक गवर्नेंस, यानी कि जो गवर्नमेंट है हमारी वो इस पे बहुत ज्यादा वीक है, इन डिसीजंस में उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत स्लो है, उनको भी नॉलेज नहीं है इस बारे में, परवाह ही नहीं उनको, बहुत वीक है इस उस यानी कि इस इन चीजों पे वो कंसंट्रेट नहीं करती। फिर वीक कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि ऐसे डिपार्टमेंट्स नहीं बने हुए हमारे मुल्क में, ऐसे डिपार्टमेंट्स नहीं हैं जो कि इस कंजर्वेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकें, यानी कि उसको बढ़ा सकें, बूस्ट कर सकें। फिर फंडिंग्स नहीं है, पैसे नहीं है, यानी कि इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए भी पैसों की ज़रूरत है, फंड्स नहीं है हमारे पास, यानी कि गवर्नमेंट के पास, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है ना, लेकिन अगर वीक गवर्नेंस ना हो तो ये वाले बाकी दोनों मसले भी अराइज नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, फिर हाँ, फिर आते हैं इस पे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, एक तो फॉरेस्टेशन होता है, एक होता है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जब फॉरेस्ट को आप खत्म कर रहे हो, डिफॉरेस्ट, फॉरेस्ट को खत्म करना, या किसी दूसरी वजह की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से फॉरेस्ट खत्म हो जाए या इंसान खत्म कर दें, तो वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट इंटू नॉन फॉरेस्ट। ठीक है, नॉन फॉरेस्ट बना दिया, यानी कि फॉरेस्ट को खत्म कर दिया, ये डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। फिर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या हैं, अक्सर अर्बनाइजेशन होती है। अर्बनाइजेशन का मतलब फॉरेस्ट को काट के वहां पे बिल्डिंग्स बना दी, वहां पे रहने की जगह बना दी, अर्बनाइजेशन कर दी। टिम्बर, टिम्बर का मतलब फर्नीचर के लिए काट दिए प्लांट्स, यानी कि फर्नीचर वगैरह के लिए। फिर रोड बनाने के लिए आपने फॉरेस्ट को कट कर दिया है। फिर एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के लिए अपना कोई लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग फार्म, फार्म वगैरह अगर आपको बनाना है, तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन की जाती है, ये वजह हुआत होती हैं
कुछ नेचुरल डिजास्टर भी होते हैं, फ्लड आ गया या फिर कोई दूसरी वजह हो सकती है, थंडर स्टॉर्म आ गया या आग लग गई वगैरह। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डीफॉरेस्टेशन, इसके क्या क्या खतरनाक जो है वो इफेक्ट्स हैं। आपको पता है कि अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो प्लांट्स की वजह से ऑक्सीजन, प्लांट्स पता है ना, प्लांट्स ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। जितना ज्यादा प्लांट्स होंगे इसका मतलब ये है कि उतनी ज्यादा हमारी एटमोसफेयर में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। और जब ऑक्सीजन हमारे एनवायरमेंट में होगी तो हमारे एनवायरमेंट कैसा होगा, फ्रेश होगा। हमारे एनवायरमेंट में कम से कम बीमारियां होंगी। ठीक है, तो ये हमारी जितनी भी हार्मफुल गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स, इन सब को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स नहीं होंगे तो ये एब्जॉर्ब कौन करेगा? ठीक है, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो एब्जॉर्ब कौन करेगा? इसके अलावा यानी कि हमारे टेम्परेचर को कम करने के लिए भी प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, सॉइल इरोजन को कम करने के लिए। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन ये होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज बारिश होती है कुछ जगहों पे, तो मिट्टी जो होती है वो अपनी जगह से हिल जाती है और बह जाती है। तो जितने ज्यादा प्लांट्स होंगे ना, जब प्लांट्स होंगे तो अपनी रूट्स की वजह से, प्लांट्स अपनी रूट्स की वजह से मिट्टी को पकड़ के रखा हुआ होगा प्लांट्स ने, रूट्स की वजह से। तो इस वजह से सॉइल एरोजन कम होगी, यानी कि सॉइल जो होगी, जब बारिश बहुत तेज होगी तो मिट्टी बहेगी नहीं। जब मिट्टी नहीं बहेगी तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जितने भी प्लांट्स होंगे वो सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है, सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो देखें, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं ना। तो ये सारी इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन है, हमारे टेम्परेचर को कम करना, ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करना, इसके अलावा सॉइल इरोजन को कम करना। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज, लास्ट टॉपिक है, चैप्टर खत्म हो गया है। इंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज का क्या मतलब होता है? वो तमाम तर स्पीशीज जो कि अब नहीं पाए जाते हैं, अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एंडेंजर्ड हो चुके हैं, और इनकी नस्ल अब बहुत कम हो गई है, बहुत कम पाए जाते हैं। ये तमाम तर जो हैं वो एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो गया है। ठीक है, अब जो हेडिंग्स के लिए मैं आपको दूसरा चैप्टर मार्क करवाऊंगा। ओके क्लास, ये चैप्टर मैं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं है तो वीडियो पॉज करके आप दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।